गुड मॉर्निंग आर के विज्ञान पीसी कॉलेज कालवाड़ में आज आपका स्वागत है। आज हम भारत व श्रीलंका के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले भारत चीन भारत श्रीलंका के जो संबंध थे और उनके विवाद कारण रहे उनके बारे में हमने विशेष चर्चा की। तो निश्चित तौर पर छात्रों भारत और श्रीलंका के मध्य जो विवाद है उनसे संबंधित और उनके क्या संबंध है उनके बारे में निश्चित तौर पर 4 नंबर या 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं भारत श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। द्वीप द्वीप से दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित एक द्वीप है। तो निश्चित तौर पर द्वीप और प्राय द्वीप से कहते हैं जिसकी चलाता दल हो और प्राय द्वीप जिसके निरंतर दल हो और एक भूभाग हो तो निश्चित तौर से प्राय द्वीप कहते हैं। क्वेश्चन यही आते हैं श्रीलंका भारत किस दिशा की ओर है दक्षिण की दक्षिण की ओर स्थित है। तो निश्चित तौर पर इसका जो क्षेत्रफल है 25,332 वर्ग मीटर है। यह वर्ग मील है वर्ग मील है। तो श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। उसका वर्ग 25,300 वर्ग मीटर है क्षेत्रफल है। और हम यह कह सकते हैं ये सांस्कृतिक दृष्टि से श्रीलंका भारत के साथ जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टि से श्रीलंका भारत के साथ जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टि के साथ साथ ये राजनीतिक धार्मिक और आर्थिक संबंध निश्चित तौर पर घनिष्ठ रहे हैं रह चुके हैं और रह रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं भारत और श्रीलंका एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं किंतु संबंध पड़ोसियों के संबंधों से अधिक गहरे हैं। तो संबंध पड़ोसियों से भी अच्छे हैं निश्चित तौर पर और औद्योगिक आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से श्रीलंका के और भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। वर्तमान में भारत और श्रीलंका के मध्य जो विवाद के कारण है सबसे बड़ा विवाद है भारतीय प्रवासियों की समस्या। भारतीय प्रवासियों की समस्या पहली समस्या है भारतीय प्रवासियों की समस्या। देखिए भारतीय प्रवासियों की समस्या भारतीय प्रवासियों की समस्या प्रवासियों की समस्या तो इसमें जब दक्षिण तमिलनाडु क्षेत्र से और दक्षिण भारतीय दक्षिणी एक क्षेत्र है वहां पर तमिलनाडु और वहां से बागानों में खेती करने के लिए चाय के उत्पादन चाय का उत्पादन करने के लिए अंग्रेजों तमिलों को श्रीलंका ले गए। जब 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ और उन्होंने सिलोन अधिनियम बनाया 1949 में तो उसमें यह तय किया गया 1949 में सिलोन संसदीय अधिनियम बनाया गया 1949 में सिलोन संसदीय अधिनियम बनाया।
समस्या रही थी और उन्होंने कई प्रकार के समझौते हुए, लेकिन आज भी तमिल और सिंधियों के मध्य विवाद है, क्योंकि तमिल भारतीय चाहता है कि हिंदू वर्ग से संबंधित है और सिंधी बौद्ध धर्मावलंबी है, तो निश्चित तौर पर उनके विचार नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से वहाँ पर आए थे भारतीय भारतीय प्रवासी हैं, उनकी समस्या रही है। दूसरी समस्या ये कह सकते हैं जातीय है, समस्या श्रीलंका में जाति समस्या, सिंधी और तमिल और सिंधी ये दोनों अलग जातियों के हैं। सिंधी लोग हिंदू धर्म से संबंधित है और ये सिंधी लोग बौद्ध धर्म से संबंधित है और तमिल लोग हिंदू धर्म से संबंधित है और उनके विचार नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए सेवा पर विवाद का कारण रहा है। इसी प्रकार भारत और श्रीलंका के मध्य कच्चा द्वीप टापू वाला विवाद है, कच्चा द्वीप समूह कच्छ द्वीप समूह कच्छ द्वीप समूह ये निश्चित तौर पर 200 वर्ग मीटर का एक दलियर है, 200 एकड़ का एक छोटा सा द्वीप है वहां पर, 200 एकड़ का एक छोटा सा द्वीप है वहां पर, नागमणि के पौधे के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन भारत ये कहता है कि श्रीलंका ये कहता है, ये बोलता है कि ये हमारा है, लेकिन ये समझौता हो गया और भारत ने श्रीलंका को ये कच्चा टीपू जो द्वीप है वो सौंप दिए हैं। फिर भी भारत में आए दिन तमिल वर्ग और सिंधी वर्ग के मध्य जाति संघर्ष होते रहते हैं, वो विवादित होते रहते हैं। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं भारत और श्रीलंका के अच्छे संबंध रहे हैं, सदियों से अच्छे संबंध है। इसे अशोक के पुत्र महेंद्र और सुमित्रा वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और आज भी राजीव जयवर्धन है उनके अच्छे संबंध रहे और आज भारत के जो संसदीय और जो प्रमुख प्रतिनिधि है उनके अच्छे संबंध रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो चाहे व्यापार हो चाहे राजनीति को अच्छे संबंध है और सदियों से चले आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कुछ समस्याओं को छोड़कर भारत और श्रीलंका के अच्छे संबंध है और सदियों से ये अच्छे संबंध रहते आए हैं। उसके बाद भारत और श्रीलंका के संबंधों के बाद हम भारत और नेपाल संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि नेपाल संसार में एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, चाहे वो 2008 से लेकर अब तक या जब से नेपाल स्वतंत्र हुआ तब से लेकर अब तक। उसके बाद में उत्तर नेपाल उत्तर में तिब्बत है और दक्षिण में भारत है, तो निश्चित तौर पर दो देशों के मध्य है, उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में भारत है। इसी प्रकार चीन और भारत दो ऐसे देशों के मध्य, चीन और भारत ऐसे देश है जो आने वाले समय की महाशक्तियां हैं, उनके उन दोनों देशों की सीमाएं नेपाल राष्ट्र से गुजरती है, सीमाएं संलग्न है। नेपाल भारत और चीन के बीच एक प्रतिरोधात्मक राज्य माना जाता है, नेपाल भारत और चीन के मध्य प्रतिरोधात्मक राज्य माना जाता है, ये चट्टान के समान माना लग जाता है। उसी प्रकार आधुनिक नेपाल के सूचनक है पक्षु नारायण शाह ने नेपाल की विदेश नीति के संदर्भ में यह कहा कि निश्चित तौर पर ये दो चट्टानों के बीच सिले हुए के समान है, तो ये कभी कभार आ जाता है। किसने कहा? पृथ्वी नारायण शाह ने, जो आधुनिक नेपाल के जनक माने जाते हैं, उन्होंने कहा दो चट्टानों के बीच सिले हुए के समान। उसी प्रकार 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
बातों को छोड़कर बातों के फर्क अच्छे समझ रहे हैं और हैं। वैसे तो इसमें ज्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो यह आता है बातों ने बात के मध्य संबंधों किस प्रकार के संबंध है अच्छे हैं। और निश्चित तौर पर उसी कड़ी में भी कहेंगे बात और उत्थान संबंध, बात और उत्थान के संबंध भी अच्छे रहे। उत्थान एक पर्वतीय राज्य है, उत्थान एक पर्वतीय राज्य है, ये अधिकतर भूटिया जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। जो लोग बौद्ध धर्मावलंबी है भूटी जाति के लोग हैं भूटान में, आज जो अधिकतर बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और यह अरुणाचल प्रदेश को बाहर से अलग कर सकता है, तो निश्चित तौर पर भारत भूटान संबंध 1949 से लेकर अब तक बहुत ही अच्छे रहे हैं। नेहरू जिला के युग में भी भारत और भूटान के संबंध अच्छे रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के और भारत और भूटान के संबंध अच्छे रहे हैं। तो इनमें मतभेद, भारत और भूटान के बीच मतभेद के मुद्दे, भारत और भूटान के मध्य मतभेद मनमुटाव सन 1949 में भारत और भूटान में त्रिशक्ति की धारा दो की व्याख्या को लेकर हुआ। तो उस समय भूटान का मत है कि धारा दो के इच्छा अनुसार व्याख्या नहीं की गई और भूटान इस संधि को धारा दो को संशोधित करना चाहता है। तो निश्चित तौर पर जो मैत्री धारा दो रही है उसके उसको छोड़कर भारत और भूटान के अच्छे संबंध रहे हैं। हम ये कह सकते हैं आने वाला समय में भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करता है। भारत और भूटान के संबंधों के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, भूटान की सामरिक भूटान तीनों के लिए सामरिक दृष्टि से काफी लाभदायक है, लेकिन भारत के लिए हानि पड़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भूटान एक स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन भारत संधि के आधार पर भूटान पर कितना नियंत्रण स्थापित रखना रख पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष टकराव का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी भारत की अपनी एक अपनी विदेश नीति होती है और भारत सभी राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करते करता आया और कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं चाहे वो भारत पाक हो, भारत चीन हो, भारत बांग्लादेश हो, तो इसमें आज के जो भारत के विदेशों से जो संबंध है उसमें भारत बांग्लादेश या भारत और पाक संबंध काफी महत्वपूर्ण है। और पहले विद्यार्थियों हम ये कह सकते हैं भारत और पाक के मध्य विवाद के कारण और भारत और चीन के मध्य विवाद से आप क्या समझते हो या फर्क का विवाद क्या है, इनके बारे में आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। निश्चित तौर पर आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। जय जय भारत।